एजुकेशन सतगुरु के डेली जी के प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए आज के अपने इस सेशन के कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश को G7 समूह में शामिल करने की बात कही है। आपके ऑप्शन है ए दक्षिण कोरिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत या फिर डी उपरोक्त सभी। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 के 46वें शिखर सम्मेलन को स्थगित करते हुए कहा है कि अपने वर्तमान प्रारूप में विश्व की विभिन्न घटनाओं का सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं करता। उल्लेखनीय है कि 46वें शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के कैंप डेविड में 10 से 12 जून के मध्य किया जाना था। बीते वर्ष 45वां G7 शिखर सम्मेलन 24 और 26 अगस्त को फ्रांस के पियाज में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया था। यदि हम बात करें G7 के बारे में तो G7 अर्थात ग्रुप ऑफ 7, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देश का एक समूह है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1975 में उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विश्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में गठित किया गया था। कनाडा वर्ष 1976 में और यूरोपीय यूनियन 1970 में इस समूह में शामिल हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अपना दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस संघ या देश ने कोरोना वायरस यानी COVID-19 के संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए 750 बिलियन यूरो की योजना का अनावरण किया है। आपके ऑप्शन है यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन बी अफ्रीकन यूनियन, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी ब्रिटेन। यूरोपियन यूनियन ने कोरोना वायरस के संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए 750 बिलियन यूरो की एक योजना का अनावरण किया गया है। इस प्रस्ताव के तहत यूरोपीय आयोग बाजार से धनराशि उधार लेगा और फिर कोरोना वायरस जनित लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुई अभूतपूर्व मंदी को खत्म करने के लिए 2/3 हिस्सा ग्रांट और शेष ऋण के रूप में वितरित करेगा। उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संघ के सभी देश कोरोना वायरस की महामारी के कारण सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं और इस प्रस्ताव का अधिकांश हिस्सा इटली और स्पेन को दिया जाएगा। वहीं यदि हम यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करें तो यह कुल 27 देशों की एक आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता है। ये 27 देश संधि के द्वारा एक संघ के रूप में जुड़े हुए हैं जिससे कि व्यापार को आसान बनाया जा सके। सैद्धांतिक रूप से देश आपस में जितना अधिक व्यापार करते हैं उनके मध्य तनाव और युद्ध की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। गौरतलब है कि यूरोपीय संघ के कुल 19 देश यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में प्रयोग करते हैं जबकि शेष देशों की अपनी अलग मुद्राएं हैं। यूनाइटेड किंगडम 31 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन से अलग होने वाला अंतिम देश था, जिसके बाद सदस्यों की संख्या कुल 27 रह गई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी यूरोपियन यूनियन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके जनेवा, टोक्यो, पेरिस या बर्न। हाल ही में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच गैर सैन्य क्षेत्र में दोनों पक्षों में हुई गोलाबारी की घटना सामने आई है। घटना के बाद यूनाइटेड नेशन कमांड ने दोनों देशों को वर्ष 1953 की कोरियाई युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन का दोषी माना है। यदि हम बात करें यूनाइटेड नेशन कमांड की तो यूनाइटेड नेशन कमांड बहुराष्ट्रीय सैन्य बलों की एक एकीकृत कमान है। इसकी स्थापना जून 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ के आग्रह पर दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के हमले को रोकने के लिए की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस कमांड के नेतृत्व के लिए अमेरिका का नाम सुझाया था। 29 अगस्त 1950 को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की 27वीं ब्रिगेड सेना में शामिल हुई थी। और यूनाइटेड नेशन कमांड का जो मुख्यालय है वो टोक्यो में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है यानी कि टोक्यो। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि थार मिसाइल रक्षा प्रणाली के उत्पादन का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। ऑप्शन है रूस, चीन, इजराइल या फिर अमेरिका। ये देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है कि हाल ही में चीन ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थार मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर आपत्ति दर्ज की है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण कोरिया में स्थित अमेरिकी बेस में इस मिसाइल रक्षा प्रणाली के नए संस्करण की तैनाती किए जाने की सूचना के बाद चीन ने यह आपत्ति दर्ज
है। इसमें जो चीन का पक्ष है कि चीन ने इस बयान को जारी कर अमेरिका से आग्रह किया है कि वह चीन और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान न पहुंचाए। वहीं अगर हम थार के बारे में बात करें तो थार का पूरा नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है, जिसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ मिसाइल रक्षा प्रणाली में माना जाता है। थार अंतरिक्ष आधारित और जमीन आधारित निगरानी स्टेशन से जुड़ा हुआ होता है। यह स्टेशन अपनी तरफ आने वाली मिसाइल के बारे में थार इंटरसेप्टर मिसाइल को डेटा ट्रांसफर कर खतरे के प्रकार के बारे में सूचित करता है। यह 200 किलोमीटर दूर तक और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार करने में सक्षम है। इसकी टेक्नोलॉजी हिट टू किल अर्थात सामने से आ रहे हथियार को रोकती नहीं बल्कि उसे नष्ट कर देती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसेप में 10 आसियान देशों द्वारा किस देश को शामिल नहीं किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। ऑप्शन है आपका ए भारत, बी चीन, सी न्यूजीलैंड या फिर डी पाकिस्तान। भारत सरकार ने चीन के संदर्भ में अपनी चिंताओं के कारण आसियान देशों के नेतृत्व में बने आरसेप समझौते में शामिल न होने का फैसला किया है। अब देख लेते हैं कि आरसेप है क्या। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी मतलब आरसेप एक मुक्त व्यापार की संधि है। इस संधि का उद्देश्य आसियान और उसके मुक्त व्यापार समझौते में शामिल देशों के बीच एक एकीकृत बाजार की स्थापना कर व्यापारिक गतिविधियों को आसान बनाना है। आरसेप वार्ताओं की शुरुआत नवंबर 2012 में कंबोडिया में आयोजित आसियान समूह के 21वें शिखर सम्मेलन में की गई थी। इस समझौते में आसियान देशों के साथ 6 अन्य देश यानी ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और भारत को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न के बारे में देख लेते हैं कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS भेजा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नासा, बी रोस्कोसमोस, सी SpaceX या फिर डी जाक्सा। हाल ही में नासा ने निजी कंपनी SpaceX के रॉकेट से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है। इसी के साथ दुनिया में वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत हो गई है। प्रमुख बिंदु के बारे में अगर बात करें तो अंतरिक्ष यात्री डग हार्ले और बॉब बैनकेन को SpaceX के रॉकेट फैल्कन 9 की मदद से इस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचाया है। यात्रियों को जिस क्रू कैप्सूल के माध्यम से ले जाया गया है उसे क्रू ड्रैगन का नाम दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी नासा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। बैंड टेल स्कॉर्पियन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन ए एक कछुआ, बी मछली, एक ऑप्शन सी एक बिच्छू या फिर डी एक सांप। हाल ही में सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं द्वारा मन्नार की खाड़ी में स्थित सेतु कराई तट पर एक दुर्लभ प्रजाति की मछली की खोज की गई है। अगर प्रमुख बिंदु के बारे में देखें तो ऐसा पहली बार है कि जब भारतीय जल क्षेत्र में कोई विशेष जलीय प्रजाति जीवित खोजी गई है। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इस मछली की खोज मन्नार की खाड़ी में समुद्री घास के मैदान का सर्वेक्षण करने के दौरान की गई। वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि छिपकर रहने वाली यह बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश मछली की एक दुर्लभ प्रजाति है जो जहरीले कांटों से युक्त है। इसका जूलॉजिकल नाम स्कॉर्पेनोप्सिस नेग्लेक्टा है। बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश शिकार करते समय तथा शिकार से बचने के लिए अपना रंग भी बदलने में सक्षम है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि एक मछली। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना की किस कमान में एक मिसाइल पार्क यानी अग्निप्रस्त की आधारशिला रखी गई है। ऑप्शन ए पूर्वी नौसेना कमान, बी पश्चिमी नौसेना कमान, सी दक्षिणी नौसेना कमान या फिर डी अंडमान एंड निकोबार कमान। चलिए चर्चा में देख लेते क्यों है कि हाल ही में 28 मई 2020 को भारतीय पूर्वी नौसेना कमान यानी ईस्टर्न नेवल कमांड ENC INS कलिंग में एक मिसाइल पार्क यानी अग्निप्रस्त की आधारशिला रखी गई है। यदि हम INS कलिंग के बारे में बात करें तो INS कलिंग भारतीय नौसेना का पूर्वी नौसेना कमांड क्षेत्र है। यह स्टेशन 734.1 एकड़ क्षेत्र में फैला है। INS कलिंग को 21 नवंबर 1985 में कमीशन किया गया था। INS कलिंग विशाखापट्टनम भीमुनीपट्टनम बीच रोड पर स्थित है जो विशाखापट्टनम नेवल बेस से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह पूर्वी बेड़े के जहाजों के लिए एक उन्नत मिसाइलों को तैयार करने, भंडारण करने और वितरित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी पूर्वी नौसेना कमान।
चलिए अगला देख लेते हैं कि विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 जून, 2 जून, 3 जून या फिर 4 जून। वैश्विक स्तर पर मिल्क के महत्व को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2001 में पहली बार विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था और विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा की गई थी। विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ को थीम के रूप में चुना गया है। विश्व दुग्ध दिवस 2019 की थीम ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरीडे रखी गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है यानी कि 1 जून। चलिए सेशन का हम अगली प्रश्न देख लेते हैं कि बॉबी जो मोरो का हाल ही में निधन हो गया है उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। ऑप्शन ए एथलेटिक्स, बी संगीतकार, सी चिकित्सा या फिर डी विज्ञान। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले धावक बॉबी जो मोरो का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मेलबर्न ओलंपिक में वर्ष 1956 में मोरो ने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था और वे अमेरिका के प्रसिद्ध एथलेटिक्स जेसी ओवेंस के बाद ऐसा करने वाले दूसरे एथलीट थे। इसके बाद अमेरिका के कार्ल लुइस और जमैका के उसन बोर्ड ने भी यह उपलब्धि हासिल की थी। अगर आपको बता दिया जाए तो बॉबी जो मोरो का जन्म 15 अक्टूबर 1936 को अमेरिका के टेक्सास में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है यानी कि एथलेटिक्स।